आइए आइए, एक एक करके सब आइए। हेलो हाय बोलिए, भगवान आज मुझे जन्नत नसीब करा दे। हाय गाइस, दिस इज आरजे अकी फ्रॉम रेड एफएम पुणे। एंड बहुत ही स्पेशल लाइव के लिए आज मैं आया हूँ रेड एफएम डॉट इंडीज पर। यह हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम वेरीफाइड हैंडल है, रेड एफएम डॉट इंडीज। प्लीज फॉलो कीजिए इस पेज को, क्योंकि थोड़ी देर में एक ऐसी अमेजिंग सुंदरी मेरे साथ रहने वाली है, यू नो, जिन्हें हम बचपन से देख रहे हैं। हाय मीतू, हाउ आर यू? हाय गाइस, आप सबको मेरी तरफ से हाय, जन्नत के सारे फैंस को मेरी तरफ से हाय। एंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि जन्नत ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की है या नहीं। नहीं, जन्नत की रिक्वेस्ट अभी आई नहीं है। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा, आई एम आरजा की फ्रॉम रेड एफएम पुणे। बहुत ही स्पेशल लाइव के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। बचपन से हम जन्नत जुबैर को देख रहे हैं। बिल्कुल नाम की तरह ही है वो, जन्नत जैसी। टीवी एक्ट्रेस रही है, 2010 में इन्होंने करियर शुरू किया दिल मिल गए से। एंड देन जन्नत को रिकग्निशन मिला एक टीवी ड्रामा से, यू नो, फुलवा नाम का, राजकुमारी फूल के नाम से बड़ी फेमस हुई है ये। और जब इन्होंने अपना टीवी बंद किया तो टिकटॉक शुरू हुआ। ये टिकटॉक स्टार रही है बहुत बड़ी, एंड नाउ विद यू नो लाइक 22 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आज ये हम सबके साथ है, आप सबके दिलों पर राज कर रही है। एंड आई एम श्योर कि वो थोड़ी देर में आने वाली है, रिक्वेस्ट सेंड करने वाली है। बट आई टेल यू गाइज कि आज मैं बातें तो करूंगा, बट सिर्फ आप लोगों के लिए है ये शफल लाइव जो है आज का, जन्नत जुबैर के साथ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए आज का लाइव, जन्नत के जितने भी फैंस हैं उनके लिए डेडिकेट होने वाला है, मैं करने वाला हूँ। एंड बाद में मुझे थैंक यू बोलना है इस बारे में। और ये बात मैं खुद जन्नत से कहने वाला हूँ। और बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं फैंस के, जो मैं जन्नत से पूछने वाला हूँ। सो लेट्स सी, मुझे जन्नत का अभी तक लाइव रिक्वेस्ट तो आया है नहीं। लेट्स सी, आई विल चेक। ओके, जन्नत हाय, अगर आप मुझे देख रही हो तो कैन यू प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके फैंस वेट कर रहे हैं एंड मैं भी बहुत वेट कर रहा हूँ। क्योंकि आज मैंने सपना देखा, सपने में भगवान आए, भगवान को मैंने कहा भगवान जन्नत नसीब करा दे। भगवान ने कहा 4 बजे, तो तथास्तु नहीं था वो। बट आई एम वेटिंग गाइज, दिस लाइव इज ओनली फॉर यू। एंड प्लीज कीप फॉलोइंग आर शफल पेज। ओके, लेट्स सी, जन्नत ने अभी तक रिक्वेस्ट सेंड की नहीं है। ओके, वेटिंग फॉर जन्नत। आई सी यू, आई सी यू द ओके ओके, आई सी यू, आई सेंट यू द रिक्वेस्ट। ओके जन्नत, जस्ट वेट। आ मैं, मुझे रिक्वेस्ट दिख नहीं रही है। ओके ओके ओके, कहाँ पर है? जन्नत मुझे रिक्वेस्ट मिल नहीं रही है। अरे बाप रे। ओके 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 ओके, फैंस तो भाई मतलब पागल हो गए होंगे। ओके गाइस, मुझे जन्नत, कैन यू सेंड मी द रिक्वेस्ट अगेन प्लीज? ओके, जन्नत हाय, आप मुझे देख रहे हो? बिकॉज मुझे आपका आईडी, जस्ट वेट। ओके,
ओके आपको रिक्वेस्ट सेंड की है. सो गाइस फाइनली मुझे रिक्वेस्ट दिख गई. बहुत 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 सारे रिक्वेस्ट जन्नत के फैन क्लब से ही मुझे आए थे. ओह माय गॉड हाय जन्नत आपको पता है हाय मैं कब से यहां पे हूं. मैंने आपको बहुत देर पहले रिक्वेस्ट सेंड किया था. जन्नत आपको पता है आपके इतने करोड़ों फैन क्लब्स हैं उनकी भी रिक्वेस्ट वहां पर पेंडिंग है जिसमें से मैंने वेरीफाइड हैंडल ढूंढा है. ओह गॉड वेरी डिफिकल्ट. जन्नत कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल. आप कैसे हैं जन्नत? मैं बहुत अच्छा हूँ. सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको बताऊं. मेरा नाम आरजे अकी है. मैं रेड एफएम पुणे से हूँ. जय महाराष्ट्र. एंड रेड एफएम में मैं 3 से 5 का शो करता हूँ, रेड इंडी शफल. एंड उसी के डिजिटल पेज से हम आज लाइव हैं आपके साथ. एंड आई एम श्योर कि आप भी बहुत अच्छी हैं. सब जानते हैं आप जन्नत से हैं, आप मुंबई से हैं, आप टीवी से हैं, आप टिकटॉक से हैं, आप हर जगह से हैं. जन्नत इज एवरीवेयर. हाँ फिलहाल जन्नत इज इन मुंबई. जन्नत इज इन मुंबई. मैंने सुना कि आप शूट में बिजी थी. कब एक्चुअली? अभी मैं सुबह से थोड़ा बिजी थी बिकॉज़ मर्दा सारा ये आया है तब से. 2-4 दिन से मैंने कुछ अपना शूट वूट नहीं किया है. मैं सिर्फ उसके पीछे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी. तो आज हमने सोचा कि कंप्लीट करते हैं. बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है काम का तो इसलिए. मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने थोड़ी देर का समय निकाला है. अब मुझे लगता है कि जन्नत मैं क्या कहता हूँ कि आप इतनी इतनी सुंदर दिख रहे हो ना कि मुझे लगता है छोड़ो ना ये सब बातें बातें नहीं करते. मैं ऐसे ही आपको देखते रहता हूँ. मतलब आज मैंने सपना देखा. पता है मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले फैंस को. मैंने कहा आज मैं लाइव आ रहा हूँ आपको जलाने के लिए क्योंकि जन्नत के साथ पता नहीं फिर बाद में लाइव करने मिलेगा या नहीं मिलेगा. बट थैंक यू सो मच. आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशन फॉर मर्दा सारा इंडिया. थैंक यू. हाँ जी. I'm saying I'm holding my phone so I can't join hands but thank you so much. Wow yaar matlab marda sara india ka video dekha maine with ramju gulati and faizu. Aap logo ki tikdi ye jo trio hai na ye hamesha kamal karta hai yaar. Kaisa laga aapko song? Hai na bahut acha laga mujhe video. As usual aap wapas dubai pahunch gaye. Pehla gana bhi aapka teenon ka dubai mein tha. Ab fruity dusre gaane ke liye hum kahin aur chale gaye the but then fir se hum dubai chale gaye. फिर से दुबई चले गए. इतना पसंद है आपको दुबई? मुझे लगता है ये बुर्ज खलीफा वो जो दुबई मॉल है उसके अंदर शूट हुआ है ना. हाँ. ये वहीं पर शूट हुआ है. वहाँ पर बुर्ज खलीफा जो सॉन्ग है इसके पहले वो ही गाना शूट हुआ है और उसके बाद हमारा गाना शूट हुआ है. बहुत प्यारी लग रही है. और स्पेशली मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ जब आप वो कार के कांच में बिंदी वाला सीन कर रहे होते हो ना जिसमें फैजो आपको देखते रहता है वहां पे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो. थैंक यू. मेरी उंगलियां दुख गई. इतने सारे 900,000 पता नहीं कितने कमेंट्स है. मैं पागल हो गया. मतलब रिप्लाई दे दे के अगर यस मैं आपका सवाल जन्नत से पूछूंगा फोन मतलब हैंग ना हो जाए ऐसा सिचुएशन आ गया था. बट यस हियर वी आर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट यू नो मर्दा सारा इंडिया. प्लीज बताइए इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा तीनों के साथ कैसा रहा इस बार इस गाने के बारे में हमें बताइए प्लीज. तो मर्दा सारा इंडिया हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे गाना करने को. इनफैक्ट लॉकडाउन के पहले से ही और उसके बीच में ऑब्वियसली सब बंद हो गया. हम शूट नहीं कर पाए. जब सब खुला तब भी हमने प्लान किया. सब कुछ फाइनल हो गया था. आई थिंक अक्टूबर में हम शूट करने वाले बट देन लास्ट मोमेंट पर मैं नहीं जा पाई और उसके बाद फिर ये पुश हो गया. फिर हमने बीच में ये भी डिसाइड किया हम इंडिया में शूट करेंगे. और फिर तरह से होते 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 फाइनल और आप बिलीव तब तक के मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी. मैं फ्लाइट में नहीं बैठी तब तक मुझे नहीं हो रहा था कि मैं दुबई जा रही हूँ. मैं बाहर जा रही हूँ इतने महीनों के बाद शूटिंग करने के लिए क्योंकि इसके पहले इतने सारे अपडाउन्स हो गए थे ना. इतना पोस्टपोन हो गया मुझे लग रहा था कि फिर से कुछ ना हो जाए फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. फाइनली हम गए और बहुत अच्छी तरह से
पापा विदाउट एनी प्रॉब्लम, सब जैसे हेल्दी और सेफ गए थे वैसे हेल्दी और सेफ आए अल्हम्दुलिल्लाह. इट वाज अमेजिंग. ये बहुत अच्छा जन्नत, ये बहुत अच्छा ट्रिक है ना, मतलब दुबई में चले जाओ और वहां हम मस्त इंडिया का प्रमोशन करते हैं ना, मर्दा सारा इंडिया आपके ऊपर, सारा इंडिया बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होके हम लोग मर्दा सारा इंडिया का पोस्टर की फोटोज और गाना शूट कर रहे थे. अमेजिंग एक्सपीरियंस. आप तो दुबई के इतने पोस्ट देखे मैंने आपके हैंडल पे, और दुबई से मुझे लगता है आपको इतना प्यार है. बताइए सच सच, बुर्ज खलीफा के कौन से फ्लोर पे घर ले लिया आपने? आपको नहीं लिया होगा क्योंकि आपको हाइट से डर लगता है ना, हाइट और फ्लाइट. डर नहीं लगता है बिल्कुल भी, हाइट से डर नहीं, एक्सेप्ट फॉर फ्लाइट. मुझे फ्लाइट से डर. ओके, बट मुझे हाइट से डर नहीं लगता. शायद तभी एरोप्लेन में आपका सिर्फ एक ही सीन है एरोप्लेन में बैठने वाला, उसके बाद एरोप्लेन उड़ जाता है, बट पूरा एरोप्लेन फैजू भाई ने उड़ाया नहीं है, नीचे ही चला है. मैं बैठ के आफ्टर द शूट, बिकॉज वो एक वाटर प्लेन था तो मुझे बोला कि कोई क्या चलती हूँ, एंड सो 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 स्कैर्ड. मैं वेट नहीं कर रही थी. स्कैर्ड ऑफ लाइक. जन्नत आपका आवाज थोड़ा सा कट कट के आ रहा है. अच्छा, हाँ ब्रेक हो रहा है आवाज. मैं ऑडिबल अभी? अभी क्लियर है. हाँ अभी क्लियर है. अच्छा जन्नत, टेल मी, आप बचपन से टीवी पे हो ठीक है, एंड आपने इतना अमेजिंग काम किया है टीवी पर. जब आपने टीवी का काम छोड़ा तो टिकटॉक आया, मतलब वो है ना कि टिकटॉक तो मैं ही चलाती हूँ, इतनी बड़ी स्टार आप टिकटॉक पर हो गई. अब देखिए आप म्यूजिक एल्बम में एक एक करके आ रही है, टिकटॉक ने साथ छोड़ दिया जिस टिकटॉक को आपने चलाया. नहीं एक्चुअली जब शो बंद हुआ था मैंने स्टार्ट नहीं किया था टिकटॉक, और टिकटॉक जब इंडिया में लॉन्च हुआ था मैं तब से ही म्यूजिकली बनाती थी तब तो. और मैं एक्चुअली बिकॉज जब शो चलता था कुछ महीनों में दो चार वीडियो डाले, बट तब टाइम की बहुत शॉर्टेज, जब शो बंद हो गया टाइम मिला, तो इस वजह से मैं ज्यादा तो या देन आई एंजॉयड. जन्नत जन्नत आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, जन्नत आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है. आवाज अच्छे से आएगी. कैन यू ट्राई अगेन? हाँ हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? बहुत लोग भी कह रहे हैं कि हमें जन्नत की आवाज नहीं आ रही है. कुछ बात करो. हाय हेलो हेलो, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है. तो आप मुझे वापस ऐड करोगे? मैं कमेंट या आपको रिक्वेस्ट भेजूं? नहीं अभी मुझे आ रही है वापस. आ रही है ठीक है, बट आपके फेस के आगे ना वो सिंक वाला साइन आ रहा है, आप मुझे ना दिख रहे हो और आपकी आवाज आ रही है मुझे. ओके वेट, आई विल रिफ्रेश इट, आई विल रिफ्रेश इट. अभी ठीक है? हाँ मुझे आपकी आवाज क्लियरली आ रही है, बस आप अटक गए हो एक जगह, पॉज हो गए हो. एनीवे हाँ, सो जन्नत टेल मी कि वीडियो बनाना सबसे ज्यादा इजी किसके साथ है? मतलब मैंने आपके वीडियो देखे हैं, आपके डैडी के साथ भी, बट आयान के साथ भी बहुत है, और बहुत सारे वीडियोस हैं आपने यू नो काफी टाइम पहले फैजू के साथ भी बनाए, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इजी वीडियो मतलब इजीली बन जाता है, ये किसके साथ बनता है? आयान के साथ बनता है, बिकॉज हम कभी भी वीडियो बनाने के पहले प्लान नहीं करते हैं कि हमें वीडियो में क्या करना है, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, और हम जो भी करते हैं वो इतनी अच्छी तरह से बैठता है वीडियो जब हम चेक करते हैं कि लगता है कि हमने तो पूरा प्लान ही किया था. आई थिंक दैट इज बिकॉज हम लोग इतने वीडियो साथ में बना चुके हैं, इतने सालों से बना रहे हैं ना, कि उसको पता है कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, मुझे पता है वो नेक्स्ट क्या देने वाला है. तो आई थिंक आयान के साथ सबसे ज्यादा इजीली बन जाता है मेरा वीडियो. कमाल की जोड़ी है आपकी, यू नो ऐसा लगता है कि ये बहन भाई की जोड़ी है. या वो होता है ना कि टीवी पर एक कैटेगरी बन जाएगी अवार्ड्स में, बहन भाई की जोड़ी. बेस्ट जोड़ी. हाँ. करके अवार्ड मिलना चाहिए आपको, इतनी अमेजिंग जोड़ी, ब्रदर सिस्टर जोड़ी. जन्नत देखो, जहाँ दोस्त है वहां दुश्मन है, जहाँ जहाँ फैंस है वहां हेटर्स है, तो आपके 22 मिलियन फॉलोअर्स है,
है ना, आप हेटर्स को डील कैसे करते हो? मैं हेटर्स को ऐसे डील करती हूँ कि मैं हेटर्स को डील ही नहीं करती हूँ. यू नो, आई डोंट नो, दे द पीपल हु डिसलाइक यू, हेट यू, और दे डोंट लाइक योर वर्क, एंड आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. यू नो, व्हेन आई टेक अप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल, देन आई हैव टू टेक डिस्करेजमेंट. अगर मुझे मिल रहा है, अगर मुझे हेट मिल रही है या डिसलाइक कर रहा है कोई मुझे, तो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, एंड आई थिंक इट्स देयर राइट. मुझे भी बहुत सारी चीजें हैं या लोग हैं कभी कभार नहीं पसंद आते हैं, सो यू नो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट. इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ समबडी इज नॉट लाइकिंग मी और इवन हेटिंग मी, आई काइंड ऑफ इग्नोर देम. इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट समटाइम्स जब वो हेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या पर्टिकुलरली जब भी आप इंस्टा खोलो और एक चीज देखने को मिलती है. But I think, yeah, all you have to do is ignore and that's it. So I don't really do much about it. But आपके प्यार करने वाले बहुत हैं यहाँ, और ये बहुत खुश होने वाले हैं थोड़ी देर में जब एक-एक सवाल Q&A सेशन में आपके साथ करने वाला. बट उससे पहले मर्दा सारा इंडिया के गाने के एंड में आपने एक डायलॉग जो बोला है, ओए होए मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, क्यों ना वो डायलॉग हो जाए प्लीज. अच्छा. मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ, ये कार पैसा मुझे कुछ नहीं ये चाहिए. गाड़ी और पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम जिंदगी भर मेरा हाथ थाम के चलोगे, उसी में मेरी खुशी है. क्या बात है. अगर रियल लाइफ में कोई लड़का ऐसे आपके लाइफ में एंटर हुआ जो सुनो लग्जरी कार है ना उनके साथ, बाद में आपको पता चले कि बहुत ही फटीचर है यार ये, तो तो सिचुएशन को कैसे करोगे आप हैंडल? सो दिस इज सम A sort of situation wherein, you know, मैं ये सब चीजों पे अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, and you know I will never entertain such kind of things as of now in my life because I'm very career oriented and very very focused towards my future and only concentrating on my work and my family. That's all. यार आपकी जर्नी बड़ी कमाल की रही है अब तक की, और अभी तो जर्नी बहुत लंबी है. But I want to ask you कि मर्दा सारा इंडिया, देखो मेमोरीज तो कितनी सारी है आपकी म्यूजिक एल्बम्स के साथ, बट मर्दा सारा इंडिया की एक स्पेशल मेमोरी बताइए विद फैजू एंड रामजू गुलाटी, क्योंकि ये ट्रियो बड़ा कमाल का है. सो बहुत सारी मेमोरीज होंगी, उसमें से कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज है. ब्यूटीफुल, आई थिंक हर एक मेमोरी एवरी डे वाज सो ब्यूटीफुल कि हम लोग को वापस आने का मन ही नहीं था, और ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम लोग शूट कर रहे हैं, बिकॉज़ इट वाज सो मच फन. पता ही नहीं लग रहा था कि कब शूट हो जा रहा है, क्योंकि हमारी पूरी जो टीम है वो तेरे बन की वे से सेम टीम है, तो सब इतना फेमिलियर हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई काम की प्रोफेशनल टीम है. सो ऐसी कोई पर्टिक्यूलर ब्यूटीफुल मेमोरी नहीं है. इनफैक्ट थ्रू आउट ऐसा लग रहा था कि हम कोई फैमिली वेकेशन पे गए और उसमें हम शूट भी कर ले रहे हैं, तो आई थिंक द होल ट्रिप is a beautiful memory for me. Very nice. Okay, so बहुत सारे fans के questions हैं, मैं एक-एक करके आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? जिसका जवाब आपको लगे कि देना है आप देना, okay? So एक फैजू means perfection करके एक handle है, उसने पूछा है, जन्नत से पूछिएगा 10th के percentage क्या थे? अच्छा, मेरे 10th के मुझे फैजू मिले थे 82 10th में मुझे आए थे कुछ 73 point something. वाव, मुझे 63 थे, बाजी मार ली आपने. आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो, मैंने कहा जन्नत अभी आ रही है आवाज? हाय, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. आवाज आ रही है? नहीं आ रही है. हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है. मैंने कहा कि आपने बाजी मार ली. हाँ, मैंने कहा 63% जो है मुझे आए थे, आपको 73, तो बाजी मार ली आपने. अच्छा जन्नत, किसी ने पूछा है कि फैजू एंड जन्नत की फ्रेंडशिप कैसे शुरू हुई थी, आप यू नो आप कहाँ मिले थे, कब मिले थे? पहली बार हम लोग मिले थे कोइंसिडेंटली, हम लोग एक ही जगह पर लास्ट ईयर होली के इवेंट के लिए गए थे, सेम सिटी और डिफरेंट इवेंट्स, बट एयरपोर्ट पे मिले थे. रिजवी सायरा को आपसे डिजिटल हग चाहिए, प्लीज रिजवी सायरा को हग दे दो. सबको वर्चुअल हग्स मेरे को. अच्छा, जंगल किंग पूछ रहा है फनीएस्ट ब्लूपर ड्यूरिंग शूट. फनीएस्ट ब्लूपर ड्यूरिंग शूट,
या बहुत से होते हैं इट वाजंट ऐसे तो ब्लूपर्स होते रहते हैं बट फनीएस्ट आई थिंक इट वाज नॉट ड्यूरिंग द शूट हमारा पैकअप हो गया था मतलब तब कैमरा ऑन नहीं था बट जो आप देख रहे थे ना डेजर्ट पे लास्ट में हम लोग बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाते चलाते मैं गिर गई थी सो लगा नहीं होगा ना नहीं बिल्कुल लगा था मैं वो एक्चुअली मैं इतना स्पीड में मैंने उसको टर्न किया वो बहुत स्पीड में थी और मैंने उसको टर्न कर लिया स्लोमो में मुझे फील हो रहा है कि शिट मैं तो गिर रही हूँ और मेरे एक पैर दब गया था वो मेरे ऊपर ही थी मेरी बाइक ओके आई होप यू आर फाइन नाउ है ना या या इट्स सो फैनाद मनन कायरा की पूछ रहे हैं कि हु इज योर फेवरेट मेल को एक्टर एंड हु इज वन यू आर कंफर्टेबल विद इन मेल को एक्टर co-actor I think I'm comfortable with every actor that I shoot with because you know मैंने सुना था सलमान खान सलमान खान is not my co-actor unfortunately अगर होते तो definitely वो मेरे favorite co-actor होते nice सुख 2401 कह रहे हैं कि तेरे बिन किवे reloaded version कब आएगा by the way ये question हजार बार आया है तेरे बिन कीवे रिलोडेड कब आएगा बिकॉज़ वो सॉन्ग मेरा पर्सनल फेवरेट है तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आपको ये पाजी को पूछना पड़ेगा पाजी अगर आपने लाइव ज्वाइन किया है देख रहे हो जन्नत को तो बता दो फैंस को चाहिए कि कब आ रहा है रिलोडेड वर्जन जन्नत आयशा पूछ रही है कि इंस्टा पे लोग आपको स्टॉक करते हैं जन्नत किसे सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे स्टॉक करती है मतलब अपने फैन पेजेस को बहुत ज्यादा करती हूँ मैं स्टॉक किसको अपने फैन पेजेस को ओह नाइस बाप रे करोड़ों में फैंस है अभी मर्दा सारा इंडिया आ गया ना तो सारों ने डीपी चेंज कर दी पता है हाँ हाँ मैंने देखा सबके सेम डीपी है सबके सेम डीपी है सब और मैं भी कंफ्यूज हो गया इसलिए आपको ज्वाइन करने में आफिया 1407 कह रही है व्हाट्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ईच अदर फैजू एंड जन्नत फर्स्ट इंप्रेशन वाज ही वाज वेरी नॉट वेरी टॉकेटिव ही वाज वेरी टॉकेटिव आई थिंक वेरी शाय एंड या नाइस योर फेवरेट पार्ट ऑफ मर्दा सारा इंडिया फैनात फैम 295 पूछ रहा है माय फेवरेट part of Madha Sara India I really like the desert scene it was very different and unique I mean I've never seen aise koi desert wale shorts kisi bhi dusre music aur wo jo sir pe bandha hai na apne bandana wo bhi mast lag raha hai wo to main aise hi bandha tha pata hai ye bahut sari cheeze time pe add up ho jati hai na shoot ke waqt ha actually us din na ghumne hi gaye the हाँ. तो फिर हमने सोचा वाह बहुत अच्छी लोकेशन तो सब कुछ होगा तो हम शूट भी कर लेंगे तो हमने शूट भी कर लिया तो हमारा ऑफ डे था नाइस जन्नत किसी ने पूछा है व्हाट इज योर हाइट माय हाइट इज हाइट कम फाइट ज्यादा नाइस यार आपने पानी पूरी खाते हुए भैया को बोला है भैया एक्स्ट्रा पानी पूरी देना और एक्स्ट्रा पानी भी देना तीखा ज्यादा नहीं मैंने एक्स्ट्रा सूखी पूरी मांगी है बिकॉज़ मुझे लास्ट में सूखी पूरी मिलती है मुझे वो बहुत पसंद है ओहो नाइस किसी ने पूछा है कि ईद व्लॉग कब आएगा मुदस्सर अर्थ पूछ रहे हैं ईद व्लॉग आप व्लॉग बनाते हो ना तो चाहते हैं कि उस पर कुछ नया मनाई नहीं सेलिब्रेट ही नहीं की बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग Nice. Super. So let's do one. बाप रे इतने महीने हो गए ईद को तो ईद व्लॉग बनाया ही नहीं था मैंने है ना पता है मैंने एक इंटरव्यू में सुना था आप कह रहे थे कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक व्लॉग आप बना लेते हो और बाद में आपको आप भूल जाते हो उसके अरे उसका सेकंड पार्ट भी रह गया है काम बहुत होता है शूट्स बहुत होते हैं वीडियोस इतने हो जाते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेट कर मेरा ब्लॉगिंग है और सब कुछ होता है वो मैं सब खुद करती हूँ मैं एडिट भी खुद करती हूँ और उसको तब अपलोड वगैरह तो यूट्यूब का प्रोसेस है ना बड़ा लंबा हो जाता है एडिट करना बहुत मुझे बहुत तेजी हो जाती हूँ मैं वो टाइम पे तो इसमें टार टार मतलब ये पता है उन लोगों के लिए एक मैसेज है जनरली कहते हैं ना लड़के टेक्नो सैवी होते हैं बट जैसे जन्नत खुद अपने वीडियोस एडिट करती है इतना सब कुछ
करती है, तो ऐसा लगता है कि ये हटके वाले काम है, जैसे कि किसी लड़की को क्रिकेट बहुत पसंद है राइट, ना। लड़कियां सब सुपर कुछ ब्रेन, जन्नत की टीम भी है लेकिन जन्नत भी सब कुछ करती है। अपना जो इंस्टा है और यूट्यूब है और सारी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो किसी के पास, भले मेरी टीम लेकिन क्या करना है कुछ नहीं करना, वो मैं किसी को जन्नत आपको पता है, जन्नत आपको पता है जिस पेज पे हम लाइव हैं, redfm.indies, आई विल टेल यू, जैसे कि आपका जो म्यूजिक एल्बम है मर्दा सारा इंडिया, ये जो गाना है ये नॉन फिल्म सॉन्ग है। हम भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और नॉन फिल्म सॉन्ग्स को बढ़ावा देते हैं, और इस शो पर हम 3 से 5 मंडे टू सैटरडे सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात करते हैं, उनके म्यूजिक को सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी 36 सिटीज में। रेड एफएम का ये इनिशिएटिव कैसा लगता है आपको, जिसमें हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं? दिस इज अमेजिंग. इनफैक्ट आई थिंक ऐसी चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज हमारे देश में इतना टैलेंट है, इतने टैलेंटेड लोग हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा लोग म्यूजिक पसंद है, उनका पैशन है, इतनी मेहनत करते हैं, पर उनको जो एक पहचान और एक जो राइट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और आई जस्ट होप कि ये बड़ा होता जाए और जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और जो भी डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं उनको इससे पहचान मिले और सब सक्सेसफुल हो. थैंक फैंटास्टिक, सो थैंक यू सो मच जन्नत, बहुत मजा आया आपसे बात यू, करके, एंड मुझे भी ऐसे ही आप खुश रहो, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, ऐसे ही अपने फैंस से थैंक आप प्यार के, तो आपके फैंस बहुत आपसे प्यार करते रहेंगे और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू लास्ट सो लास्ट मच फॉर वर्ड फॉर योर फैंस, केयर. योर लास्ट वर्ड फॉर योर फैंस। I just like to thank them. Thank you so much, guys, for always being supporting Marda Sara India. And thank you so much for watching. And I love you all. Bye. थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपको मर्दा सारा प्यार हम सब की तरफ से। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच, शी इज जन्नत जुबैर, जिनके साथ आज हम लाइव थे। शी इज वेरी बिजी, इसलिए हमें क्विकली सब करना पड़ा, बट मैंने कोशिश की फैंस के जितने क्वेश्चंस उन्हें पूछ सकूं, बेस्ट वन, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते हैं अगले सफल चैट में। टिल देन कीप फॉलोइंग आवर पेज redfm.indies। मैं हूं आरजे अकी फ्रॉम पुणे, यू कैन फॉलो मी ऑन आरजे अकी redfm, RJAKKIIDFM। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।